हमारे देश में ऐसी कई जगह मौजूद हैं जिन्हें ना सिर्फ चमत्कारी माना जाता है बल्कि जिनका रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। और कुछ ऐसे गांव हैं जहां कई मान्यताएं हैं। भारत में बड़ी आबादी गांव में रहती है, इसकी वजह से ही कहा जाता है कि भारत गांव का देश है। गांव में आपको कई ऐसी कहानियां सुनने को मिल जाएंगी जो आपको हैरान कर देंगी। हर गांव की अपनी मान्यता और संस्कृति होती है। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे गांव के बारे में जहां कोई भी दो मंजिल का घर नहीं बना सकता। नमस्कार, द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम गजब की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं साक्षी शर्मा। पंजाब हरियाणा की राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के पास एक ऐसा गांव बसा है जहां कोई भी दो मंजिल का घर नहीं बना सकता। इस गांव की मान्यता है कि अगर किसी व्यक्ति ने दो मंजिल का घर बनवाया तो उसके घर कुछ नुकसान जरूर होगा। गांव में बने हर घर को नींव से उठाकर दीवारों के साथ छत तक बनाया जाता है। गांव के लोगों के मुताबिक छत के ऊपर किसी प्रकार का निर्माण करना पूरी तरह से मना है। इसकी वजह गांव में बना माता जयंती देवी का मंदिर बताया जाता है। चलिए आपको बताते हैं आखिर क्या है इस गांव की पूरी कहानी और यहां क्यों कोई दो मंजिल का घर नहीं बना सकता। प्राचीन काल में बाबर के समय हथनोर का राजा एक हिंदू राजपूत था जिसके 22 भाई थे। उनमें एक भाई की शादी हिमाचल के कांगड़ा के राजा की बेटी से हुई। कांगड़ा की राजकुमारी माता जयंती देवी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह हर दिन माता की पूजा और दर्शन के बाद ही जलपान किया करती थी। राजकुमारी ने माता से कहा, मैं तुम्हारे बिना इतनी दूर कैसे रह पाऊंगी। माता ने राजकुमारी को सपने में दर्शन दिया और आश्वासन दिया कि बेटी तुम्हारी डोली यहाँ से उस समय उठ पाएगी जब मेरी डोली भी तुम्हारे साथ उठेगी। शादी के बाद जब डोली नहीं उठ पाई तो सब चिंता में पड़ गए। इसके बाद राजकुमारी ने अपने पिता को सपने वाली पूरी बात बताई, जिसके बाद माता की डोली भी सजाई गई। फिर राजकुमारी और माता की डोली हथनोर वाले राजा के साथ विदा हुई। राजा ने पुजारी को भी उनके साथ भेज दिया। आपको बता दें कि उसी वंश के पुजारी अब तक माता की पूजा करते आ रहे हैं। जब कुछ सालों के बाद रानी और राजा की मृत्यु हो गई तो उसके बाद उनकी अगली पीढ़ियों ने माता की पूजा करना बंद कर दी। उस समय मनी माजरा के जंगलों में एक डाकू रहा करता था जो माता जयंती का बहुत बड़ा भक्त। ऐसा कहा जाता है कि माता ने उसे अपने दर्शन दिए जिसके बाद उसने यहाँ पर माता का मंदिर बनवाया था। बता दें कि मूर्ति की स्थापना जयंती नदी के किनारे पर हुई। यहाँ ऐसा माना जाता है कि कोई भी माता से ऊपर नहीं जा सकता। जैसे ही रानी के अगले पीढ़ियों ने माता की पूजा बंद की तो माता ने डाकू के सपने में आकर उसे आदेश दिया कि इस सियासत को पूरी तरह से बर्बाद कर दे। तब से ही माता के प्रकोप से बचने के लिए आज भी घरों पर दूसरी मंजिल नहीं बनाई जाती। और अगर कोई घर बनाने की कोशिश भी करता है तो उसके साथ किसी ना किसी तरह की अनहोनी घट जाती है। आपको बता दें कि कई बार गांव के लोगों ने इकट्ठे होकर भंडारा किया। इस दौरान माता से प्रार्थना की कि वह दूसरी मंजिल बनाने की इजाजत दे, लेकिन इस गांव के लोगों की तरफ से हाँ और ना की पर्चियां डाली गई, लेकिन जब भी पर्ची उठाई गई तो उसके अंदर हमेशा ना ही निकला। इसके लिए गांव वालों की तरफ से हाँ और ना की पर्चियां डाली गई, लेकिन जब भी पर्ची उठाई गई तो उसके अंदर हमेशा ना ही निकला। आपको इस अनोखे गांव के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और गजब की बात के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।